सब तो पहला तुहानू सब नू जय श्री राम जी और सारे पत्रकार का बहुत बहुत शुक्रिया। तुसीं साडे एक ही बोलते पूरे आए। असी जिहड़ी मीटिंग रखी है जी, ये असी रामलीला प्रति मीटिंग रखी है जी। जिदा भी तुहानू सब नू पता ही है कि अपने हुण रामलीला दा टाइम नेड़े आ गया है, तो जिहड़ी भी साडी मैनेजमेंट साडे नाल खड़े आ इस टाइम अज इस मीटिंग संबंधित गल्लां करियां कि रामलीला दा टाइमिंग की है, कदों स्टार्ट होनी है, मतलब कि झंडा रसम कद करनी है। तो मैं सब नूं दसना चाहवांगा कि सारी मैनेजमेंट साडे भाईचारा ने, साडे बड़े बजुर्ग बजुर्गों ने, साडे मैनेजमेंट कलाकारा ने यह डिसाइड किया है कि जिहड़ी साडी झंडा रसम है वह मंगलवार 19 तरीक नूं नगर खेड़े तो स्टार्ट होएगी और संपूर्ण पूरी मतलब कि बाजार की परिक्रमा कर कृष्णा मंडी में संपूर्ण की जाएगी और उस तो बाद जिहड़ी साडी कलैक्शन है वो साडी 20 तरीक तो कलैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और इस बारी असी रामलीला कमेटी नूं बहुत ही बहुत मोटिवेशन पर लेके जा रहे हैं। इस बारी सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, स्टेज भी डिजिटल है, मतलब कि इस बारी पिछली बार कुर्सियाँ थी, इस बार 1000 कुर्सियाँ करती हैं, बैरीगेडिंग करती हैं, इस बार रथ कर रहे हैं, बड़ी पीछे स्क्रीन LED पॉल स्क्रीन करी हुई है, ट्रस्ट करी हुई है। इस बारी बहुत वधिया तरीके असी थोनू रामलीला दिखाएंगे। और जिदा भी हुण असी एक थोड़े एक रामलीला कमेडी च एक नवा इंप्रूवमेंट पाया कि जिदा भी जिहड़ा लेडीज़ रोल है वो लेडीज़ रोल इस बार कुड़ियां करेगी, लेडीज़ करेगी और वधिया तरीके नाल एक तरह के नाल प्रभु श्री राम जी दा थोनू एक तरह के नाल लीला दिखाई जाएगी, जिस मतलब कि साढ़े प्रभु श्री राम पुरशोत्तम मान मर्यादा जिहड़े अपने प्रभु श्री राम जी हैं उन्होंने थोनू एक तरह के नाल एक लीला दिखाई जाएगी। और उस तो बाद एक बच्चों को एक यही मोटिवेशन असी देना चाहूँगे क्योंकि जिहड़े बच्चे अजकल अपनी चीज़ा भुल गए हैं कि अजकल अपने पुरानी परंपरा की है, प्रभु श्री राम जी कौन थे, अच्छा बजरंग बली हनुमान जी कौन थे, इन्हों एक 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 मोटिव रामलीला प्रति असी दिखाना चाहवांगे ते एक मोटिवेशन एक बच्चों को देना चाहवांगे। असी साडा मतलब कि स्टैप बाय स्टैप असी रामलीला कमेटी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और असी अगे भी इस चीज़ को इंप्रूवमेंट करांगे। और इस बारी जिकर तुहानू मैं दस्या कि हाँ इंप्रूवमेंट इस बारी रामलीला होया है, असी तुहानू सब कुछ दिखावांगे और वधिया तरीके नाल रामलीला करके दिखावांगे। हाँ जी, सुरक्षा प्रबंध जी एक्ना है जी, जिहड़े साडे SHO साहब गगन साहब है, साढ़े DSP धर्मवीर जी साढ़े हैगे हैं जी, तो उन्होंने अकॉर्डिंग ही उन्होंने सानू एक विश्वास दिलाया कि असी अपने पूरे उत्थे मुलाजम खड़ावांगे जी, तो चार लेडीज़ कॉन्सटेबल और चार अपने जेंट्स होंगे। और इस बारी लेडीज़ वास्ते मतलब कि जिहड़े साढ़े रोल कर रहे हैं उन्होंने वास्ते एक लेडीज़ कॉन्सटेबल साड़ी पूरी मतलब कि हायर करेगी। तो दूसरी गल क्या चक्कर है जी, अपना इस बारी असी बाउंसर भी हायर करे हैं जिहड़े साड़ी जिहड़ी स्टेज नू पूरा कवर करके रखांगे। और स्टेज ते असी ने कोई भी साड़ी मैनेजमेंट का बंदा कोई भी कलाकार एक आइडेंटी कार्ड सब नू देवांगे, आइडेंटी कार्ड के बगैर कोई रामलीला कमेटी अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। और जिदे को चाहे मैं चाहे बेशक मैं प्रधान है, चाहे मेरे को आइडेंटी कार्ड है तो मैं आइडेंटी कार्ड के अप्रूवल अंदर आ सकांगा, जो मैंने भी आइडेंटी कार्ड अगर मेरे पास नहीं है, कला प्रधान नहीं सारे स्टाफ लिए भी एकना साड़ा सिस्टम बनाया गया है जी। और सुरक्षा प्रबंध बहुत ही बहुत बैरीगेडिंग के नाल सुरक्षा प्रबंध जिकर थोड़ा पिछली बार भी रामलीला दिखाया गया था कि इस बार बैरीगेट नूं असी बिल्कुल कवर कर देंगे हैं, जेंट्स अलग और लेडीज़ अलग पार्टीशन बना देंगे हैं। इस बारी भी असी यही करे है। और इस बारी सर्कुलेशन जिहड़ा हैगा साडा बहुत बड़ा है और 500 फुट बैरीगेडिंग होएगी और 1000 कुर्सियाँ असी ने करियां है, 500 कुर्सियाँ इधर, 500 कुर्सियाँ इधर, और एक तरह के नाल वधिया तरीके नाल रामलीला जिहड़े साडे बजुर्ग हैं जिन्हां ते मतलब कि नीचे मैट ते बैठा नहीं जांदा वो अस इस बारी कुर्सियाँ ते अपने रामलीला देखणगे। रामलीला की टाइमिंग असी 8 बजे तो लेके 11 बजे तक रख रहे हैं जी, जो कि सानू साढ़े माननीय SHO साहब ने और DSP साहब ने साडे नाल गल हुई है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनज़र भी देखा जा रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर हो जाता तो कुछ ना कुछ अनसफावी घटना होने का डर रहा है, इस करके 8 से 11 असं रामलीला की टाइमिंग रखा। श्री कृष्णा मंडी शहर वासियों मैं यही बेनती करना चाहूँगा कि जेडे अपने बच्चे हैं
जिहड़े एक प्रथा नाल जुड़े हुए रामलीला नाल जुड़े हुए हैं, अगर कोई रोल वास्ते मूहरे आ सकता है तो मोस्ट वेलकम आओ। और चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सानू तां इस बात की खुशी है कि साढ़े वास्ते जिहड़े अजकल दी जनरेशन है इस चीज़ नू अगे आ रहे हैं, बदलने वास्ते रोल करने वास्ते अगे साढ़े वास्ते आ रहे हैं। तो मैं एक बार हाथ जोड़कर सब नू एक रिक्वेस्ट करांगा कि अपने जिहड़ी बच्चे हैं, अपने कोई भी अपने अपनी बेटियां या बेटे कोई भी है, रोल वास्ते चाहवान हो वो आ सकता है। और अपनी कृष्णा मंडी तुहानू मैं दस साढ़े डायरैक्टर साहब ने दस्सिया सीगा कि कृष्णा मंडी साड़ी रामलीला होएगी और उसी हिसाब से सारी कृष्णा मंडी ही रिहर्सल स्टार्ट होएगी। असी ने टोटल 25 तरीक तो कृष्णा मंडी रिहर्सल स्टार्ट कर देनी है और थोड़ा रब भला करे। और मैं एक गल होर बेनती करना चाहूँगा कि इस चीज़ नू बहुत ही बहुत कायदे नाल मान मर्यादा नाल सब कुछ दिखाया जाएगा। और जिन्नी भी कोई लड़की या कोई जेंट्स मतलब कि कोई भी होएगा वो रिस्पोंसिबिलिटी साड़ी होएगी साड़ी, और जो भी जिकना भी रोल करन आएंगे साड़ी टाइमिंग 8 to 10 होएगी, लड़कियां दी 8 to 10 है और जड़े लड़के दी हैं वो 8 to 11 है। और इसलिए उन्होंने जोड़े माँ बाप हैं उन्होंने कोई मैं एक गल होर कहना चाहूँगा कि एक साढ़े रामलीला कमेटी की साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है कि बच्चे सेफ रहेंगे और उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होएगी और उन्होंने कोई भी किसी चीज़ का फेस नहीं करना पड़ेगा। असी वो वास्ते हरेक चीज़ प्रोवाइड करांगे, हरेक चीज़ अनुशासन नाल करांगे। और एक प्रभु श्री राम जी का एक साडा मेन मोटिव यही है कि जिहड़े रामलीला दिखा इस टाइम दिखा रहे हैं और बहुत ही बहुत मान मर्यादा नाल दिखाई जाएगी। और कोई उत्थे कोई पिछली बार भी बहुत वधिया तरीके नाल दिखाई है तो इस बार भी थोनू रामलीला बहुत ही बहुत अच्छे तरीके नाल दिखाई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नंबर हैगा जी 9988 52 66 55। साढ़े नोनी भी है जी का डायरेक्टर जी का नंबर है, नोनी भी जी बोलियो 8847086374 संदीप गुप्ता। ये साढ़े नाल कोई भी कंटैक्ट करना चाहता है जी आ सकता है जी, तो इसी साढ़े नाल कंटैक्ट करने के बाद और जो भी बच्चे की रिस्पोंसिबिलिटी होगी जो भी असी कुछ भी प्रोवाइड करना वो असी करेंगे। माँ बाप की रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़े सानू बच्चे सानू करेंगे वो साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी बनेगी। असी सब कुछ बच्चों वधिया तरीके नाल ही वधिया परंपरारिक उहदे नाल करके वधिया तरीके नाल तुहानू रामलीला दिखाएंगे। और सब दा मैं अपने मैनेजमेंट दा सारे अपने रवि खट्टी जी, साढ़े नोनी भैया, साढ़े चरणजीत सिंह चन्नी जी, अपने सुमंतपुरी जी, नोना जी, काकू वीर जी, मुकेश जी, यशपाल जी और साढ़े अपने योगेश जी और मुकेश जी और जिन्हें भी साढ़े उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर कलाकार साढ़े नाल खड़े हैं वो साढ़ा बहुत बहुत योगदान साढ़े नाल हमेशा तत्ते खड़े रहते हैं। मैं इन्हों का भी बहुत बहुत एक शुक्रिया करना चाहूँगा साड़ी मैनेजमेंट का कि हर टाइम इस चीज़ को अगे लेके जा रहे हैं। और अगर मैं देखो कल्ला मैं करने वाला कुछ नहीं है, अगर मेरे नाल मैनेजमेंट है तो मैं अगे बढ़ना है, अगर मेरे नाल मैनेजमेंट नहीं है मैं कल्ला कुछ नहीं कर सकता। देखो गल देखो जी जो भी कर रहे प्रभु श्री राम जी वास्ते कर रहे हैं और ये भी प्रभु श्री राम जी वास्ते कर रहे। बस मैं एक ही हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूँगा तुम्हें कि कभी भी कोई भी दिक्कत होवे साड़ी रामलीला कमेटी नाल कंटैक्ट करो, कोई दान पत्र कोई किसी वास्ते कोई गरीब कुड़ी का ब्याह भी करवाना होवे या कोई भी मतलब कि कितने भी कोई कुछ भी कोई किसी नू नीड होवे वो असी रामलीला कमेटी हरे हमेशा तत्पर खड़े रहेंगी। तो मैं थोड़ा हाथ जोड़ के आई बेनती करूँगा और सब का बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े पत्रकार का एतिमान चैनल का साढ़े बसीन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई गल कहना चाहूँगा कि ये पत्रकार इस माध्यम लाइव टेलीकास्ट करते हैं और सारी जनता तक आवाज़ पहुँचाते हैं और थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और प्रभु श्री राम जी की कृपा थोड़े से एकना ही अपार कृपा बनी रहे। बहुत सेवा रामचंद्र भगवान की, जय श्री राम।